आम आदमी पार्टी बीते 5 सालों से पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे के तौर पर एक सिख नेता की तलाश में लगी है। शायद यही कारण था कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में जीत नहीं हासिल हो सकी थी। अब राज्य में पार्टी को दोबारा खड़ा करने के में भी एक बड़ा चैलेंज है। बीते विधानसभा चुनाव में आप पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी, वहीं पंजाब में दोबारा वापसी के लिए आम आदमी पार्टी को एक गेम चेंजर की जरूरत है। पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अमृतसर में कहा है कि एक सिख नेता ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। पार्टी वक्त आने पर नेता का नाम घोषित कर देगी। ऐसा लग रहा है कि आप अब पिछले चुनाव की गलतियों से सबक ले रही है। 2017 के चुनाव में पार्टी ने अपना सीएम फेस नहीं घोषित किया था, जबकि पंजाब में व्यक्तिगत आधारित तो वोटिंग का पैटर्न रहा। अकाली ने प्रकाश सिंह बादल को, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था, जब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना जरूरी नहीं है क्योंकि पंजाब के लोगों का भरोसा उनमें है। हालांकि आखिरकार पार्टी ने कहा था कि सीएम उम्मीदवार पंजाब का ही कोई व्यक्ति होगा, न कि अरविंद केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए जाने की खबरों को अफवाह बताया था। तब पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से इसलिए भी इनकार कर दिया था क्योंकि पार्टी में कई उम्मीदवार थे, इसमें भगवंत मान, एचएस फुलका और सुखपाल सिंह खैरा थे। इस चुनाव में आपकी स्थिति कुछ अलग नहीं है क्योंकि जाट सिख चेहरे की तलाश जारी है। पार्टी के एक प्रमुख चेहरे रहे सुखपाल सिंह खैरा अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। फुलका 2019 में पार्टी से अलग हो चुके हैं। भगवंत मान अभी पार्टी चीफ हैं और पूरे राज्य में पार्टी के इकलौते सांसद भी हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता के बावजूद पार्टी में इकाइयों का मानना है कि उन्हें सीएम फेस बनाने में रिस्क है। विधायक हरपाल चीमा और पूर्व सांसद प्रोफेसर संधू सिंह जैसे कुछ अन्य चेहरे भी हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।